सर आइए, सुपर ब्रांडेड सन ग्लासेस सारे ब्रांड्स मिलेंगे, Ray-Ban, प्यूमा, जो चाहिए वो मिलेगा, एक पर एक फ्री है। क्या रे पागल, एक के ऊपर एक फ्री दे रहा है? ये क्या तेरे बाप का माल है? किसने बोला तुझे फ्री देने के लिए? दुकान का मालिक तू है या मैं? मालिक आप मेरा प्लान नहीं समझे। मैंने दोनों चश्मों का प्राइस बताया, ये मेरा बिजनेस सीक्रेट है, आप छोटी छोटी बात की टेंशन मत लिया करो। अच्छा, तूने रात से ये बिजनेस शुरू किया, अभी तक तूने कितना बेचा है? ला चल पैसा निकाल। अरे बॉस, अभी तक एक भी चश्मा नहीं बिका है। अब क्या करें? बॉस आप आराम से छाते के नीचे बैठो, इन सनग्लासेस को कैसे बेचना है मैं आपको एक घंटे में बेच के दिखाऊंगा। हे भगवान, ये मेरा नुकसान करवाने के लिए आया है क्या? देख यार, मेरी बात समझने की कोशिश कर, तेरे भरोसे पे ही ब्याज में पैसे उठा के दुकान में डाला है, कुछ कर मेरे भाई। अगर मैंने आज उसे ब्याज के 300 रुपए नहीं दिए ना, तो आज मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। देखो बॉस, वहाँ सामने एक भाई साहब लेटे हुए हैं, अब बस आप देखते जाइए। हाँ। मैं इसे कैसे बेच के आता हूँ? हाँ। पता नहीं ये कुछ कर पाएगा या नहीं। सर सर, सुपर ग्लासेस फॉरन मेड, मैम सन ग्लासेस, सर सर सन ग्लासेस, मैम सन ग्लासेस, सर सर सन ग्लासेस, सर ओरिजिनल इटालियन ग्लासेस, क्वालिटी वेरी गुड सर, नो चीटिंग, इट्स वेरी चीप सर, जस्ट $15। $15 too much. Okay, $10. This is not original. I know. I will give you the original. See this difference. This is original. I don't know the difference. Look straight to the sun. It's cooling. Try this, sir. This one. Wow, you look so good. This also. I will give you 2 glasses for just $20. I need only one. Okay, I'll give you 2 glasses and $15. Yeah. Take this. Thank you. $1 की कीमत तकरीबन 71 रुपए है, तो हमें मिलते हैं 1,080 रुपए, तो ये रखिए आप 300 रुपए, बाकी के 770 मेरे। बाद में अपने बाप को देना, पहले यहाँ दे, चल निकल। हे भगवान, आज के दिन तो मैं बच गया, ब्याज का पैसा देने के लिए तो पैसे हाथ में आ गए। वो लड़का कौन है? कोई फ्रॉड तो नहीं है? नहीं नहीं, गरीब है सर, अच्छा लड़का है, बोलता थोड़ा ज्यादा है, घर से भाग के आया था, वो सड़क पे खड़ा था, मैंने ही उसे खाना पीना दिया और उसे रहने की जगह भी दी। अभी वो स्मार्ट हो गया सर, रोज 1,000 रुपए कमा के देता है, वो मेहनती है सर। चलो ठीक है, देखते हैं। सर अभी ठीक है, ठीक है। क्या ग्लैमर है भाई। अरे वो कहाँ चली गई? ये रहे 20 यूरो, आप रख लीजिए, मैंने एक अंग्रेज को बेवकूफ बनाया उससे लिए। वैसे ये ब्रिटिशर्स बड़े चालाक होते हैं, पर मैंने भी एक स्टिकर चिपका ही दिया। तुझे स्टिकर कहाँ से मिला? मैंने साइबर कैफे से 5 रुपए का प्रिंट निकलवाया था, 1,000 में बेच दिया, हो गया ना फायदा 995 रुपए का। 5 रुपए लगाया तो 1,000 रुपए। हेलो, गुड इवनिंग सर। तुम रात को कहाँ गए थे? मैं श्रीधरन के केस के सिलसिले में गया था सर। अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने 3 लोगों से पूछताछ की, लेकिन श्रीधरन नहीं मिला सर। इसका मतलब? अब सर मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अभी तुम कहाँ हो? सर मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, वो क्या है कि घर से टिफिन लेकर आया था, उसी को एक चाय की दुकान में चाय के साथ खा रहा हूँ। वहाँ पे केशव नाम का एक आदमी है, वो श्रीधरन का भाई है, उससे जाकर मिलो। सर अभी जाता हूँ सर, अब उसकी तो फर्नीचर की दुकान है सर। उसका घर ढूंढकर उससे पूछताछ करके मुझे जल्दी रिपोर्ट देना है, समझ में आया फूल? सर अभी निकलूंगा तो उसके घर तक पहुंचने में 8 बज जाएंगे, वहां से घर वापस लौटने में आधी रात हो जाएगी, क्या जिंदगी है। सर पैसा? पुलिस वाले से पैसे मांग रहे हो बेवकूफ, सड़क के किनारे दुकान खोलकर पब्लिक को परेशान करते हो और मुझसे पैसे मांग रहे हो? सर आप पार्सल भी मांग रहे थे,
तुम्हारी दुकान कब तक खुली रहेगी? 10:30 बजे तक खुला रहेगा सर। सुनो, एक मटन फ्राई डीप फ्राई करके रख देना, मैं लौटते समय ले लूंगा। ठीक है सर। मैं वापस आता हूँ। ठीक है। दादी। मेरी पोती, अरे अरे मेरी पोती आ गई। आजा आजा आजा, बैठ जा यहाँ पर। आजा मेरी बच्ची, आजा आजा, आ बैठ ना यहाँ पर, बैठ जा बैठ जा। तू ठीक तो है ना बेटी? तू अकेली कैसे आ गई? तेरे पिताजी ने तुझे अकेले आने दिया? पापा 6 महीने पहले ही मर गए। अरे उसके बाद मैं विक्टर अंकल के यहाँ रह रही थी। गांव में क्या बातें होती हैं मुझे कुछ पता नहीं चलता। तुम जैसा कोई आता है तो बता देता है, वरना मैं कैसे जानूंगी वहाँ क्या हुआ क्या नहीं। अब तक तो किस तरह रही बेटी? मेरे रिश्तेदारों में से दादी सिर्फ आप ही हो। आज से मैं आपके पास ही रहूंगी दादी। रिश्तेदार? रिश्ता तो तेरी माँ के जिंदा रहने तक था। तेरे पिताजी ने कभी मुझे उससे मिलने की इजाजत ही नहीं दी थी मेरी बच्ची। लेकिन अब तू यहाँ आ गई है। मैं फल बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। दादी मैं भी काम करूँगी। तू पढ़ाई करती है? मैं एक फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफर का काम करती हूँ। यहाँ काम मिलना बड़ा मुश्किल दादी, है। दादी मुझे बहुत भूख लगी है। ओ, एक चपाती बची है। मेरे लिए बहुत है। आराम से दम ले रहे। क्या रे, अकेले मजा ले रहा है? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं लेगा तो जाने दे, ला इधर दे। यहाँ तुम लोग कहीं बाहर जाओ, 2 घंटे के बाद आना, ठीक है? निकलो बाहर, निकलो बच्चों, निकलो। हम लोग बाहर जाएंगे पर हमें पैसे चाहिए, चिकन खाएंगे ना। ये लो। कह रहे बुड्ढे तू भी मजे ले रहा है। चलो चलो लेट्स गो। चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ तुम यहाँ बैठो, ये सब लड़के बहुत ही तंग करते हैं। और शक्कर डालो। सुनो, 2 डोसा भी दे दो। हाँ लाओ लाओ, ये लो। दो डोसा देना भैया, और एक चाय भी। हाँ देता हूँ, ये लो। Hey, इधर आ। सर, क्यों रे? दिखने में तो तू शरीफ लग रहा है, फिर भी तू पब्लिक प्लेस पे पेशाब कर रहा है। चला जा, पुलिस स्टेशन चलते हैं। सर मैंने पेशाब नहीं किया सर। अरे मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा, चल पुलिस स्टेशन में चलकर बात करते हैं। पेशाब करना गुनाह है क्या सर? हाँ गुनाह ही है। अब कोर्ट जाओगे और 1000 रुपए फाइन भरोगे, साथ में 6 महीने की सजा भी होगी। सर मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन कानून तो कानून ही होता है। चल चल पुलिस स्टेशन। जाने दीजिए ना सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, उसके लिए तुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है सर। ऐसा है, तो एक काम कर,
सामने जाकर एक पैकेट सिगरेट और साथ में दो केला लेकर आ जा, जा जल्दी जा। सर मेरे पास पैसे नहीं है सर। पैसे नहीं है तो चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ठीक है सर, लाता हूं। सब है ना? ठीक है ठीक है ठीक है सर, अब तू जा सकता है। आयशा अब, अरे लेटी रहो लेटी रहो। अब तुमने दवा ली थी ना? हाँ ली। अब आराम से आराम से। अब खाना खाया था तुमने? खाया था लेकिन उल्टी हो गई। तो फिर आपके भाई का बेटा आया था, मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। कौन, अनवर? हाँ। लेकिन वो गया कहाँ? किसी के साथ पी रहा होगा। अरे वो बहुत बेकार लड़का है। वो तो है, मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो तुम मुझे गुनहगार बना रही हो। देखो 4 साल से तुम इस बेड पे पड़ी हुई हो, मैं जो भी कमाता हूँ वो सब तुम्हारे इलाज पे खर्च कर देता हूँ। अब तुम ही बताओ, 10 रुपया भी अपने लिए रखता हूँ क्या? हाँ हाँ, अब अपना दुखड़ा मैं किसके सामने रहूं? ये लो, मैं तुम्हारे लिए 2 केला लेकर आया हूँ, खा लो। लो लो। मुझे नहीं चाहिए। मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। आपने खाना खाया क्या? हाँ मैंने खा लिया, अब तुम सो जाओ। कल स्कैन करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, उससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। ऐसी बातें मत करो आयशा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम कल अनवर को लेकर हॉस्पिटल चली जाना, सुबह मेरी ड्यूटी है, नहीं तो मैं तुम्हें लेकर चलता। पैसा चाहिए, क्या करें? ऐसा करो कि अभी तो तुम मुस्तफा से उधार ले लो, तनख्वाह मिलेगी तो लौटा दूंगा। अब तक उनसे बहुत उधार ले चुके हैं। जानता हूँ, हम उसके सारे पैसे लौटा देंगे। हे ईश्वर, मुझे माफ करना, मैं शहर में एक आदमी को मारने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ, हम 2 लोग हैं। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की मैं उसे मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ किसके लिए जिंदा हूँ? यहाँ मेरा है ही कौन? मैं 3 महीने से पेट से हूँ, मेरी मौत के साथ ही उसकी भी मौत होगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। What a beautiful Yeah, you're right. Very nice. I'm feeling very hungry. Come back. Where is my bag? Oh no. Oh God. My purse. Oh. What happened? My purse. What's the problem? My bag. I don't know. My bag. Come. Where is your bag? It was here. Yeah. Oh, yahan pe to nahi hai. I just went to washroom. Please help. My passport, my ticket. Come, we will call the police. इधर आइए। Hello. अरे एक बिरयानी लाने में कितना टाइम लगता है? मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ भाई। मैं आ रहा हूँ बॉस। हाँ, जल्दी आ जल्दी। Thank you.
ये लो बॉस। तूने इतनी देर क्यों कर दी? होटल में बहुत भीड़ थी बॉस। हाँ। मैं ये ग्लासेस बेच के आता हूँ। इतने जल्दी कहाँ जा रहा है? बेच कर आता हूँ बॉस। हेलो, नमस्ते सर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे तुम चश्मा बेच के आओगे बोला था और यहाँ के बैठे हो? वहाँ बीच में एक लाश मिली है, क्या तुम जानते हो? क्या कह रहे लाश? आज सुबह ही वो वहाँ उस तरफ एक लाश मिली है, शायद किसी ने खुदकुशी की है। हाँ, उत्तर की तरफ समुन्द्र गहरा है, वहाँ लहरें काफी तेज उठती है। अगर सावधानी नहीं बरती तो डूबना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक पुलिस को भी उस लाश के बारे में पता नहीं है, हर जगह पूछताछ कर रहे हैं वो लोग। लोगों को मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती क्या? क्या पता अब हमें। और सबको समुंदर में आके ही मरना होता है। क्या पता क्या प्रॉब्लम थी, इस साल तो ये तीसरी आत्महत्या है। सही कह रहे हैं बॉस, इस साल तो कुछ लोग चट्टान से फिसल के ही मर गए। वो फिसल के नहीं गिरी होगी, उसका कत्ल भी हो सकता है। इन सब का मुख्य कारण ड्रग्स ही है। अच्छा बॉस, मैं जा रहा हूँ, 4 बजे तक आ जाऊंगा। अरे रुको रुको, तू ये चश्मा लेके कहाँ जा रहा है? चल वापस कर। सुनो, 4 बजे बोला तो 4 बजे यहाँ रहने का, समझा ना? ठीक है ठीक है, आ जाऊँ। क्या हुआ? पता नहीं, कोई उनका बैग चुराई करके ले गया। हाँ, 2 घंटे पहले पुलिस को बताया। Don't cry. देखते हैं क्या होता है। They have informed the police. Don't cry. Police will come now. Don't cry, please. My passport, medicines, money. I know. Don't worry, police will come now. They will find your bag. Calm down, Lucia. Listen to me. Excuse me. Who is Lucia? She is Lucia. Oh, I am Abdul Qadir from town police station. Ma'am, you come with me to police station. I will find your handbag. Okay. My medicines, my camera, my ticket, passport, everything. Don't worry. I will catch the criminal. Okay? Okay. Okay. Please help her. Yeah. In this column, so many thieves and pickpockets. But don't worry. I will find your handbag in one day. Okay? Where are you staying? Hotel Sunview. Oh. Hotel Sunview. Yeah. 4-star hotel. They have good Ayurvedic massage. Good one. I need my passport, my medicines. I'm asthma patient. I need my medicines. For asthma, allopathic is not good. You go to the Ayurvedic hospital. They have good medicine. Look, my wife, asthma patient from 4 years. I need my handbag, my passport, medicines, camera. Don't worry. This place, I 20 years. I know whole criminals. I only catch fatafat. Big smugglers. Yes, yes. My photo published in the newspaper. See, okay, don't worry. We go to the police station. Yeah, come, okay. Come this way. एबी? कैसा है रे? हाय एबी। क्या बात है? मेरे पास कुछ करेंसी है, एक्सचेंज करानी है। अमेरिकन? नहीं, पाउंड है। लेकिन 5% कमीशन लूंगा। ठीक है, पर पैसा भी चाहिए। पासपोर्ट है ना? पासपोर्ट होता तो तेरे पास क्यों आता? तुम मेरे लड़के के साथ श्यामला के घर जाओ, मैं उसे फोन कर दूंगा, वो तुम्हें कैश दे देगी। ए इधर आ बे। क्या हुआ? इसे श्यामला के घर ले जाओ और वहाँ जाके 5% कमीशन लेना मत भूलना। आ जाओ।
क्या बात है रजक? दीदी वो करेंसी एक्सचेंज करनी है। आ जाओ। अमेरिकन डॉलर है क्या? नहीं पाउंड है। मैं एक पाउंड के लिए सिर्फ 90 रुपए दूंगी। लेकिन इससे पहले आपने 100 रुपए दिए थे। तुम्हें पता नहीं पाउंड की कीमत कम हो गया है। दीदी 90 रुपए चलेगा। ओ दो मुझे। ये लीजिए। इसमें पूरे 45,000 है, ठीक से गिन लो। ठीक है चलता हूँ दीदी। हाँ जाओ। ₹2,000 कमीशन निकाल। मुझे रास्ते में उतार देना भाई। हाँ ठीक है। बस बस यही है। बाय। इतना पैसा किधर से मिला? मेरे अंकल दुबई से आए हैं, उन्होंने मुझे दिए हैं। मुझे इसमें से थोड़ा देगा? नहीं नहीं दूंगा। तुम अपने पापा से मांगो ना। नहीं वो नहीं देंगे। तो अपनी माँ से मांगो। मेरी माँ मर चुकी है, मेरी सौतेली माँ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम्हें पिताजी से पैसे लेने के लिए एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता? मोदी मस्तान नाम का एक आदमी है, तुम्हें पता है वो एक जादूगर है। अगर तुम उसे पैसे देते हो ना तो वो तुम्हें एक पाउडर देगा। तुम पिताजी के चाय में वो पाउडर मिला के उन्हें दे देना। पिताजी चाय। थू बेवकूफ, कैसी चाय बनाई है ये? अरे अरे इसने आपको मारने के लिए चाय में जहर मिला दिया है। ए अजय इधर आओ और सच सच बता क्या किया तूने? बता क्या किया? अगर आप चाय पी लेते तो मर जाते ना। ए तूने मुझे मारने की कोशिश की ना, बता। पिताजी आप मुझे प्यार करेंगे इसीलिए ऐसा किया। तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे मारना चाहता था ना, बता। पिताजी जल्दी बता, बता जल्दी। ए, ए, रुक रुक कहाँ भाग रहा है, रुक। ये लेजर का घर कहाँ है? क्या करें? चलो यहां से। जरा वो धागा देना मुझे। क्यों तुम मछली पकड़ने नहीं जा रहे हो क्या? नहीं रे। विंसन लेजर का घर जानते हो? कौन लेजर है सर? अरे वो है ना टकला लेजर। नहीं सर वो यहां नहीं आया। अरे भाई मैं उसका घर पूछ रहा हूँ। में हाँ इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? सैलून में मिलेगा वो। ओ, वो सैलून वाले का भाई है ना?
हाँ अभी वो जेल में है। ओ। लेजर भी जेल में था, बस अभी 10 दिन पहले बाहर आया। क्या सर, कोई केस है क्या? अरे नहीं, अभी तो सिर्फ शक है। नमकीन है। वर्गीस कहाँ है यार? मैं भी बीच में हूँ। एक काम करो, अपने सारे दोस्तों को लेके थिएटर में आ जाओ, हम लोग फिल्म देखेंगे। पर हमारे पास पैसे नहीं है, तेरे पास है क्या? मेरे पास पैसा है, मैं टिकट ले लूंगा, तुम लोग आ जाओ। मुझे आइसक्रीम भी खिलाना। अरे एक नहीं चार खिलाऊंगा, तू आ तो जा। ठीक है फिर आता हूँ। Hey, लेजर, तुझे ढूंढने में मुझे कितनी परेशानी हुई पता है? अरे जहाँ जहाँ तू मिलता है मैं सभी जगह पे गया। सर आप थोड़ा स्लिम हो गए हैं। डाइटिंग कर रहे हैं क्या? अरे डाइटिंग नहीं भाई, भाग दौड़ ज्यादा हो गई है। हो अब चोर और लुटेरे भी चेस खेलने लगे हैं। सर हम लोग जेल में खेले थे सर। हो जेल में चेस खेलना भी सिखाया जाता है? हम जेल में पत्थर तोड़ते थे और टाइम पास करने के लिए चेस भी खेलते थे सर। सच में? अच्छा लेजर, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? क्या करना है सर? अरे अस्थमा की पेशेंट एक विदेशी लड़की का किसी ने हैंडबैग चुरा लिया है, उसका पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, मेडिसिन सब कुछ उसी में था। ये कहाँ हुआ था सर? पिजारा होटल में। वो स्कैंड थानू का एरिया है सर, उससे पूछिए सब पता चल जाएगा। स्कैंड थानू, वो जिसकी एक ही आंख है? हाँ सर उससे पूछिए। वो अभी कहाँ मिलेगा? वो अभी बिजी होगा, मैं आपको उसका नंबर देता हूँ सर, आप उससे बात कर लीजिए। एक मिनट। 9847 4 3 4 7 4 3 4 7 4 7। हेलो थानू है क्या? आप कौन बोल रहे जी? आई एम पुलिस कांस्टेबल, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, फ्रॉम टाउन पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए ना सर। अच्छा थानू मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है, कहाँ हो तुम? मैं तो अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आखिर बात क्या है सर? अरे वो एक चोरी का केस है, एक फॉरनर लड़की की हैंडबैग चोरी हो गई है। कहाँ से सर? अरे वो पिजारा होटल है ना, वहीं से। तो फिर टिंगू बादशाह होगा, वही होटल कस्टमर्स के पास से चोरी करता है सर। अभी वो कहाँ मिलेगा? उसकी बीवी एक नर्स है, मेडिकल कॉलेज के पास वो रहता है, अभी वो बिलाल शॉप में मिलेगा। बिलाल शॉप। हाँ अब मैं केस सॉल्व कर लूंगा। सर क्या है? हमें कुछ देंगे नहीं। अरे पहले बैग मिलने दो, उसके बाद तुम्हें कुछ दूंगा। बाप रे एक बज गया, पहले मैं घर में फोन कर लेता हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा है। उस विदेशी लड़की को फोन करता हूं। अभी करता हूं। अब हेलो मैडम, आई एम पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कादिर, आई एम सर्चिंग योर हैंडबैग। वो तो आई विल फाइंड आउट, यू डोंट वरी, इंडिया इज ए वेरी गुड कंट्री, हेयर पुलिस गुड सर्विस गुड पीपल। डोंट वरी डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट। ओके टेक रेस्ट। ओके ओके। ऑरेंज पपाया पपाया पपाया, फ्रेश फ्रेश पपाया ऑरेंज। मैडम या फ्रेश ऑरेंज, यू टेक इट, वेरी फ्रेश। आजा। कितनी धूप है, ये देख। बहुत धूप है, कैसा चल रहा है काम? ठीक ही चल रहा है। कितनी धूप है देखो तो, काम भी नहीं चल रहा। सुनो ये कौन सा कैमरा है? निकॉन है क्या? दिखाना। मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ, दो मुझे। नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं खींच दूंगी। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं। तुम वहाँ खड़े हो जाओ, नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी एक फोटो खींचती हूँ, अच्छी वाली। नहीं नहीं जाओ ना, आप बीच के अंदर खड़ी रहिए, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ।
चले जाइए ना, फोटो खींचता हूँ आपकी। नहीं, मैं तुम्हारी फोटो खींच के देती हूँ, कैमरा दो। मम्मी, ये मेरा कैमरा छीनने की कोशिश कर रही है। क्या कहा, क्या हुआ बेटा? ये कैमरा छीनने की कोशिश कर रही है। तुम मेरे बेटे से कैमरा छीन रही थी? चोर कहीं क्या, मैं पुलिस बुलाती हूँ। पुलिस, चलो बेटा निकलते हैं यहाँ से। बेटी बेटी, हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची? उठ जा, क्या हुआ तुझे? उठ जा, आजा, क्या हुआ था तुझे? मैं उस लड़के से उसे फोटो खींचने के लिए कैमरा मांग रही थी, पर वो मुझे चोर समझ रहा था। मैं चोर नहीं हूँ ना। वो लोग पैसे वाले हैं बेटी। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, जाओ। मैं ये सारे फल बेचकर घर आती हूँ। उठो उठो मेरी बच्ची, उठो। Do you have this medicine? We don't have this medicine, ma'am. Oh, where I can get this medicine? I think you can consult with the doctor, okay. ma'am. Okay. Hello. Hello. Do you have this medicine? Livolin? No, Livacraft. No medicine. Not available. Okay. Okay. Oh, Lucia. I am Father Edward. Your friend Katrina's friend. She gave me your number. Where are you? I'm in medical shop. Any problem? I'd like to meet you. Wait, dear. I will come and pick you up. Thank you, father. अरे, एक फॉरनर लड़की की हैंडबैग चोरी हो गई है। $2,000, पासपोर्ट, टिकट, सब कुछ उसी में था। अब केस कमिश्नर तक पहुंच गया है। जिसने भी चोरी की है ना, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सर, मैंने अपने लड़कों से पूछा, उन लोगों में से किसी ने चोरी नहीं की है। हो सकता है वहाँ के वेटर ने की हो। अरे नहीं, मैंने वहाँ के सारे लोगों से पूछताछ कर ली है। तो फिर वो डॉलर को एक्सचेंज नहीं कर सकता? अगर एक्सचेंज करेगा तो पकड़ा जाएगा। अरे आजकल डॉलर एक्सचेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा केस तो श्यामली के पास ही जाता है। ये श्यामली कौन है? अरे वो मैथ्यू की बीवी है ना, श्यामली। मैथ्यू के मरने के बाद से उसका सारा बिजनेस वही संभाल रही है। ओ, तो वो डॉलर भी एक्सचेंज करती है? सिर्फ डॉलर नहीं, ड्रग्स, पासपोर्ट, ऐसे बहुत सारे हैं सर। वो किस एरिया में रहती है? अरे भाई सुनो, एक प्लेट बिरयानी और लेकर आओ। अब यहाँ रख दो। अब जानते हो बादशाह, उस विदेशी लड़की को और मेरी बीबी को एक ही बीमारी है, अस्थमा। 4 साल से मेरी बीबी खाट पर पड़ी हुई है। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इलाज करवाने से कोई फायदा नहीं होगा, वास्तु का दोष है। आप घर छोड़ दीजिए सर, वो बीमारी अपने आप चली जाएगी। लेकिन मेरे भाई, घर बदलने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ है? पुलिस वाला हो के भी आपको पैसों की कमी है क्या? अरे फालतू खर्चे बहुत हैं। बाइक के लिए सरकार पेट्रोल का खर्चा भी नहीं देती है। सर, आपके पुलिस स्टेशन में केस है, आप उसे उठा लीजिए ना, मेरा कुछ भला हो जाएगा। हाँ देखता हूँ। आपको फोटो खींचना नहीं आता? तुम फोटो खींचना जानती हो? ये है स्टार स्टूडियो, पीयूष अंकल इसे चला रहे हैं। पीयूष अंकल मेरे दूर के रिलेटिव हैं। यहाँ मैं क्लीनिंग करती हूँ, केमिकल चेंज करती हूँ, फोटो खींचने में अंकल की मदद करती हूँ। ये है मेरा काम, मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद मेरी है। मेरी प्यारी बच्ची। और मैं एक अच्छी फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस काम के लिए यहाँ पीयूष अंकल के पास रहती हूँ। फोटो खींचना मुझे बहुत पसंद है। ये देखो, ये फोटो मैंने खींची है, लेकिन अंकल नहीं जानते। ये फोटो मैंने खींची है अंकल। लड़कियों को फोटो नहीं खींचनी चाहिए, मेरी बात समझ में आई? आज की फोटो का प्रिंट लेना मत भूलना। ठीक है अंकल।
मैं भी अंकल की जैसी बहुत बड़ी फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। ये फोटो मैंने खींची है, ये अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है, फोटो बहुत अच्छा है। मैं आई हॉस्पिटल जाकर आता हूँ बेटी। हाँ। मुझे आँखों का टेस्ट करवाना है, तब तक यहाँ का काम तुम संभाल लेना। ओके अंकल। अंकल? हाँ? अंकल कहाँ है? अंकल हॉस्पिटल गए हैं। ओह, आइए अब बैठिए। मुझे एक फोटो खिंचवानी थी। पासपोर्ट, यूके वीजा, व्हाइट बैकग्राउंड, 45-35 mm। तुम लोगी क्या? क्यों, मैं फोटो नहीं खींच सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने कभी फीमेल फोटोग्राफर नहीं देखी। क्यों, जब लड़कियां पायलट बन सकती हैं, तो क्या मैं एक अच्छी फोटोग्राफर नहीं बन सकती हूँ? मेरा ये मतलब नहीं था, तुम फोटो खींचना जानती हो या नहीं, बस यही पूछ रहा था। मैं यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। कंगी कहाँ है? आओ बैठिए। वो बटन्स थोड़े सीधे हो जाइए। ओके रेडी चिनाब? ओके यहाँ ऐसे सीधे रहिए। ओके बस हो गया, ये लो। कल शाम को आ जाइएगा। ठीक है। ये क्या है? है? ये मुझे नहीं चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी स्माइल कहाँ है? तो आपको किसने कहा था सीरियस रहने के लिए? तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि स्माइल प्लीज, क्यों नहीं बोला? आपको हंसना चाहिए था ना। सुनो, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था तुम्हें फोटो खींचना आता है कि नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे ये नहीं चाहिए, लाओ मेरे पैसे वापस दो। ठीक है, आपको हंसने वाला फोटो चाहिए ना, चलिए चलिए ना, यहाँ बैठिए। सुनो, इस बार सुंदर फोटो आना चाहिए। आप जैसे हैं फोटो वैसा ही आएगा। देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये फोटो चाहिए मेरी जॉब एप्लीकेशन के लिए, थोड़ा संभाल कर, अब लंदन वीजा के लिए चाहिए। ये चेहरा जरा सा ऐसे करिएगा। हाँ ठीक है। हाय हाय, रेडी है क्या? हाँ ये लीजिए, जरा देख सकता हूँ क्या? ओके। अरे वाह, ये मैं हूँ क्या? दिखा ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ज़ूम करके दिखाओ ना। तुम्हें तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए था, क्यों नहीं करती स्टिल फोटोग्राफी के लिए? मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली हमारे वहाँ एक फंक्शन है, क्या तुम वहाँ फोटो ले सकती हो? कैसा फंक्शन? मैरिज फंक्शन है।
अच्छा कब है? शुक्रवार को। ठीक है मैं आ जाऊँ। थैंक यू। ये 2000 रुपए हैं, एडवांस समझ के रख लो, बाकी के पैसे शादी के बाद दे दूंगा। थैंक यू। तो भूलना मत हाँ, शुक्रवार को। नहीं भूलूंगी। नहीं, नो। अरे क्या हुआ? हाँ? नींद में बड़बड़ा रही है हा? पानी पी और सो जा। हाँ ये ले, पी ले। हे भगवान, ला। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ बेटा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, हर संडे तुम चर्च में आया करो। अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? हाय लूसिया। हाय फादर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, God bless you. Thank you. You don't worry. I have told commission about your incident. Wait for a day. Otherwise, we will meet Minister Gopal. He know me very well. Thank you, Father. श्यामली तुम हो? हाँ सर। तुम काम क्या करती हो? मच्छी बेचकर जिंदगी काट रही हूँ सर। ओ। आप बैठिए ना सर। हाँ, मच्छी बेचकर तुमने ये टीवी खरीद ली? वो सर हाँ। देखो मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, यहाँ कोई डॉलर एक्सचेंज करने के लिए आया था क्या? नहीं सर। हाँ? देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, और अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अरेस्ट करके सबके सामने यहाँ से ले जाऊंगा। मैं आपका साथ दूंगी सर, कल एक लड़का आया था। अच्छा तो बताओ कौन है वो लड़का? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा सर, वो एबी का लड़का है ना, उसके साथ आया एबी? था। कौन एबी? वो मोबाइल शॉप चलाता है ना सर, वही। ओ, तो तुम ये कहना चाहती हो कि एबी का लड़का उसे यहाँ लेकर आया था? मैंने 500 पाउंड बदल के दिया। देखो झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है $2000 की चोरी हुई है? नहीं सर मैं सच कह रही हूँ, 500 पाउंड के बदले मैंने पैसे दिए। अच्छा उसे। देखो जब वो दोबारा यहाँ पर आए ना तो तुम एक काम करना, उसकी फोटो अपने मोबाइल से खींचना और मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं इन्फॉर्म कर अच्छा, दूंगी सर। अच्छा ये बताओ यहाँ पीने के लिए कुछ मिल सकता है? मैं यहाँ शराब नहीं बेचती हूँ सर। बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि तुम भी पीती हो। वो मैं कभी कभी वोडका पी लेती हूँ। अरे भाई जो भी पीती हो वही लेकर आओ, सब चलेगा, साथ में कुछ खाने के लिए भी लाना।
हाँ सर, मुझे उसके बारे में पता चल गया है सर। वो एक 15-16 साल का लड़का है सर। मैं सर कल उसे किसी भी हालत में पकड़ लूंगा सर, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। हाँ सर, सर मैं ये बात लुसिया को बता दूंगा। ठीक है सर, ओके। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, अरे गिलास लेकर आओ ना। मैं पानी नहीं डालता। My darling, this is very nice place. Come with me. Oh dear, where is your chain? Have you lost it? Police! Yes, ma'am. What's the problem? My son's chain is lost. I will find your chain. Yes. Yes. Please come with me to the police station. Yes, yes, yes. Give me your written complaint. Okay. Hey, what's your name? Lucia, come. Be careful. I'll call Abdul Qadir. Don't worry, you will get your medicines. God, be careful. Yeah, come inside. Hey, yao. Sir, tu yahan par kyon ghoom raha hai re? Sir, wo kitni baar tere ko bola hai? Hain? और तेरे बाकी सारे लड़के किधर है? वो लोग वहां पे है सर। चल मेरे साथ। बहुत देर हो गई, वो लोग दिख नहीं रहे। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए, कहीं टाइम पास कर रहे होंगे यार। हे, कहां थे तुम? अरे कितनी बार बोला है कि तुम यहां पर मत घुमा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता हैं? इस साइड आओ। तो वही लड़का है ना जो वहां पर उस दिन सनग्लास बेच रहा था? हाँ सर। तूने भी इनको ज्वाइन कर लिया? शर्ट उतारो तुम्हारी। तेरे को अलग से बोलूं क्या? वो चेन मिल गया सर, रेत में दबा हुआ था। आज के बाद तुम लोग यहां दिखे ना तो तुम लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो यहां से, चलो चलते हैं। ठीक है सर। हाँ, चलो शर्ट पहन लो, दोबारा इधर दिखना मत, समझ गया ना? चलो निकलो। कम प्लीज कम। लुसिया वेक, वी विल गो टू द हॉस्पिटल। कम अब, टेक अब हेल्प। लुसिया, स्लोली अब, स्लोली अब, माय कैप, थैंक यू अब।
स्टे बी केयरफुल क्लोज द डोर मुझे सच सच बता तू यहाँ क्यों आई है वो दादी मैं झूठ मत बोल मैं सब जानती हूँ मैं भी एक औरत हूँ बता कितना महीना है चौथा महीना ओह इसका बाप कौन है ये सब मत पूछो दादी मैं नहीं बता सकती तू बच्चा गिरवाने के लिए यहाँ आई है पागल हो गई है क्या कुछ भी करने से पहले सोच ले वो जिंदा है या मर गया ये तो बता मुझे दादी वो एक एक्सीडेंट में मर गया पाप करके तुझे बाप बना के इस दुनिया से चला गया बच्चा नहीं चाहिए दादी बच्चा किरवाना इतना आसान है क्या और तेरे पास पैसे भी तो नहीं है थोड़े से पैसे हैं हम करिश्मा के पास चलते हैं वो हमारी मदद करिश्मा कौन है हॉस्पिटल में नर्स है वो सब कुछ जानती है तू फटाफट तैयार हो जा मैं तुझे वहाँ ले चलती हूँ चल 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 पता फेंक पैसा निकालना तेरे पास पैसे बहुत है क्या जो उड़ा रहा है पैसे तो आते जाते रहते हैं भाई तू यहाँ कितने सालों से है 7 सालों से हेलो सुनो वर्गीस का एक्सीडेंट हो गया है क्या कहाँ सीरियस नहीं है एक स्कूटर वाले ने धक्का मार दिया वर्गीस अभी कहाँ है वो यहीं पर है हमने स्कूटर वाले को पकड़ के रखा हुआ है तुम जल्दी से आ जाओ ठीक है मैं भी आता हूँ तुम लोग खेलो मैं बाद में आता हूँ हे वर्गीस तू ठीक तो है मुझे मत मारो तू दारू पी के स्कूटर चला क्यों रहे मैं कभी कभार शराब पीता हूँ ड्राइवर रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है ये एक्सीडेंट आपने ही किया है पैसे तो आपको देने पड़ेंगे मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे पास पैसे नहीं है बोला ना पैसे नहीं है ये स्कूटर भी मेरा नहीं है तो फिर ये स्कूटर है किसका ये सुंदर का है और वो अभी विदेश में है और तुम्हारा घर कहाँ है तिराग नगर में ये आदमी एक नंबर का बेवड़ा है इसके पास कोई पैसे नहीं इसे तो मार के भी फायदा नहीं एक छोटी सी मदद करो इस स्कूटर से मुझे घर तक छोड़ दो मैं स्कूटर नहीं चला सकता मैं तेरा ड्राइवर हूँ क्या मैंने स्कूटर चलाया तो फिर से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा मैं घर भी नहीं जा सकूंगा मेरे 2 बच्चे और बीवी है प्लीज ठीक है चलो आराम से नहीं छोड़ो मैं खुद ही बैठ जाऊंगा रुको आराम से बैठो चलो हाँ ठीक है ठीक आराम से लेके चलना भाई डार्लिंग सरलेन कैसे इंसान हो आप मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसने मुझे बचाया अगर आप मर जाते तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे तो मिल जाते आराम से तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझे मारना होगा आपको सस्पेंड हुए पूरे 6 महीने हो गए आप बहुत ईमानदार हो ऐसा कहते थे ना पहले अब आपके पास कोई काम धाम नहीं है घर में कितनी प्रॉब्लम है पता है आपको बच्चों की फीस घर का किराया घर के राशन के लिए पैसे ये सब मैं कहाँ से लाऊं खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं मेरी नौकरी मुझे वापस मिलेगी इस तरह से पियेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी इस लड़के को चाय पिला दो चाय पत्ती नहीं है घर में तो छाछ पिला दो फिनाइल वो दे दूं क्या चलेगा ना मैं चलता बैठो ए ब्रदर मेरी एक मदद करो अब क्या हुआ
मुझे तुम 50 रुपए दो। मेरे पास पैसे नहीं है। मम्मी पापा आ गए क्या? अरे पापा आप मेरे लिए क्या लाए हैं? बेटा अंदर जाके होमवर्क करो अपना, जाओ। अरे ये क्या, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 रुपए चाहिए। मैडम अब क्या है? मैडम ये पैसा इनकी जेब से मिला है, ये नीचे गिरा था, मैंने उठा के रख लिया। इतने पैसे इनके पास कहां से आए? मैं नहीं जानता, पर चेक कर लीजिए पूरे हैं ना। ये तो 5,000 रुपए हैं। मैं नहीं जानता, मैं चलता हूँ। रुको चाय पीकर जाना। नहीं नहीं मैं कभी चाय नहीं पीता, मैं सिर्फ फिनाइल पीता हूँ। माँ जी आप काफी देर से इंतजार कर रही हैं, बस थोड़ी देर हुई। ये है आपकी पोती? हाँ। ये चौथा महीना है, अबॉर्शन करना तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। चाहे जितने भी पैसे लगेंगे हम दे देंगे, लेकिन अगर इसमें तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है दीदी। बेटी करिश्मा की बात सही है, देखो तुम्हें पैसे एडवांस में देने होंगे और तुम्हें एडमिट भी होना पड़ेगा। हम सोच कर बताते हैं, तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे डॉक्टर सरस्वती के पास लेकर चलूंगी, ठीक है? ओके हाँ ठीक है। You don't worry, madam. Your body very weak. My wife is also very weak. I talked to the doctor. He says you take 2 days complete rest. Don't worry. I will catch the thief. Don't worry. This nightie, I only change the dress, and you look beautiful in this nightie. Thank you. दीदी कुछ पाउंड्स एक्सचेंज कराने। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बोलो श्यामली। सर वो लड़का आया है, आप आ जाइए। कौन? जो लड़का पाउंड लेकर आया था ना, तुम वही। तुम अपने मोबाइल में उसका फोटो लेकर रखो और उसे बैठा कर रखो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है जल्दी आइए सर। ओके अब आई गॉट अर्जेंट वर्क, I come back. Sure. कहाँ है वो? वो भाग गया सर। अब अरे मैंने तुमसे कहा था ना। छी, अब क्या करें? अब हमारे राज्य में लड़कियों पर अत्याचार काफी बढ़ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। केरला में लड़कियों पर अत्याचार काफी बढ़ चुका है। कहा जाता है कि जो लड़कियां दूसरों के घरों में काम करती हैं, उन पर भी काफी अत्याचार हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियां बस में भी सेफ नहीं हैं। उन पर काफी रेप, गैंग रेप, चाइल्ड रेप, छोटी बच्चियों को मारना, भ्रूण हत्या, इस तरह के अत्याचार होते आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस भी हरकत में आ चुकी है, लेकिन अब पुलिस को जवाब देना होगा। पब्लिक का कहना है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, और पुलिस का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर चोरियाँ भी बहुत बढ़ चुकी हैं, और लड़कियाँ गलत काम भी कर रही हैं। उन्हें कैसे रोका जाए, इस बारे में अब तक सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो इसे लेकर हरकत में आई हैं। ये हमारी शादी की अंगूठी है। इसे तो शादी के दिन पहनाया जाता है ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? अगर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर आती ही क्यों? मैं जब भी बुलाऊं तुम वहां आओगी ना? हाँ आऊंगी। मैं कहीं पर भी बुला सकता हूँ?
मैं आ जाऊंगी। तो चलो। कहाँ? वो तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम बस चलो। क्या सोच रहे हो तुम? माइकल, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ मेहमान आए हुए हैं मेरे यहाँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हे माइकल, रुको मैं आती हूँ। माइकल, माइकल रुको। Shit.
सर, माइकल नाम का आदमी यहाँ काम करता था। वो 6 महीने के लिए कंपनी टूर पे बाहर गया है। माइकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी मैं अपने कजिन के साथ हूँ, तुम यहाँ से निकलो, जल्दी करो, चलो। तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, मुझे सच में तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, ठीक है, तुम रूम पर आ जाना। रूम पर? तुम्हें डर है क्या? नहीं, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। सुनो ना, तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। हाँ, घर से निकलकर बाहर काम पर जाती हैं। वो लोग प्रोफेशनल वर्क करती हैं। गवर्नमेंट जॉब में 40% लड़कियां काम करती हैं। तो उनके काम करने की जगह पर जहां उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें वो सारी चीजों को झेलना पड़ता है, इस शहर में इस तरह की घटनाएं आम बात हैं। लड़कियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। अच्छा, गवर्नमेंट को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अरे जब भी मैं फोन करता हूँ तुम फोन ही नहीं उठाते। चाचा, चाची की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। अब कैसी है? चाची सांस नहीं ले पा रही है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जरूरी काम के समय ही ये धोखा देती है, इसकी तो अजय के पास बहुत सारा कैश है। उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहीं चोरी की होगी। अगर उसे पीट के उससे पैसे छीन ले तो कैसा रहेगा? तू ठीक बोल रहा है, हम लोग मिल के उसे मारते हैं और पैसे छीन लेते हैं। अभी वो फिशिंग बोट में सो रहा होगा। चलो चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। भाई, तुम्हारे पास ब्लेड है क्या? हाँ है, चलो। चल। अरे क्या कर रहे हो? चल इधर। चल पैसे निकाल। क्या कर रहे हो तुम लोग? पैसे निकाल। छोड़ो मुझे। पैसे निकाल। पैसे निकाल। पैसे कहाँ? बता। बता पैसे कहाँ? अरे भाई, पकड़ ले। छोड़ो मुझे। हाथ पकड़ ले। कोई पैसे नहीं मांग रहा भाई। निकाल ले। छोड़ो मुझे। छोड़ो।
हे ईश्वर मुझ पे रहम करो, उसे मारने की ताकत मुझ में नहीं है, उससे नहीं हो रहा है। अपने हाथों से एक इंसान को मारूं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, उसे मैं सजा दूंगी। उसने मुझे जितनी तकलीफ दी है उसे भी उतनी तकलीफ सहनी होगी। भैया कपड़ा प्रेस कर दिया। आप कौन है? मैं माइकल की वाइफ हूँ, आज ही आई हूँ। कपड़े किसने फाड़ दिए? मैंने नहीं फाड़े। तो फिर किसने? थोड़ी देर पहले आपकी पत्नी आकर लेकर गई थी। मेरी पत्नी? जी साहब। हैं? उस लड़की ने तो अब मेरा जीना एकदम हराम करके रख दिया है। भाई आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर दो ना। पुलिस इंक्वायरी हुई तो उन लोगों को सब सच पता चल जाएगा और मैं जाऊंगा जेल में। तो फिर क्या करें? वो लड़की सिर्फ ऐसी ही हरकतें कर सकती है। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। लेकिन सावधानी से रहना। वो कहां रहती है ये पता करना होगा। इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढेंगे? जैसे उसने मुझे ढूंढा वैसे ही। समझ में आया? दीदी आप ठीक तो हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। आपका घर कहाँ है? तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे क्या? आइए चलिए। अब मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ। हाँ ठीक है, ख्याल रखिएगा।
पैसों से मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा। दीदी 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 रुक जाइए, आप अंदर क्यों जा रही हैं? रुक जाइए, समुद्र बहुत गहरा है। छोड़ दो मुझे, उधर मत जाइए, मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दीदी मरना क्यों चाहती हैं आप? छोड़ो, चलिए। मैं जीना नहीं चाहती। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलिए चलिए बैठ जाइए। आप समुंदर के अंदर मरने क्यों जा रही थी? मैं मरना चाहती हूँ। पर दीदी आप मरना क्यों चाहती हैं? मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। बच्चे को मारना तो पाप है। मैंने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये बात सुनी है। आप खुद को और इस बच्चे को क्यों मारना चाहती हैं? ये मेरे पाप का बच्चा है। पर इसमें बच्चे का क्या कसूर? तुम कुछ नहीं जानते। मैं इतना जानता हूँ इसे मारना गलत है। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरा भी कोई नहीं है। मैं बस मरना चाहती हूँ। दीदी मैं आपको मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चलिए मेरे साथ। तुम्हारा घर कहाँ है? दीदी ये बीच ही मेरा घर है। तुम काम क्या करते हो? मैं सनग्लासेस बेचता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेके आता हूँ। सुनिए दो डोसा पार्सल कीजिए। ठीक है, डोसा ना। दीदी My wife started dead. 5 years we live together. Now I am nothing. I am alone. I want to cry. No. 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 You are a good lady. I will catch the thief. Huh? Tomorrow I will catch the thief. I will definitely catch the thief tomorrow. I will catch the thief. I am alone. दीदी आप कहाँ से आई हैं और यहाँ कितने सालों से हैं? कहीं जॉब करती हैं क्या? मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। अभी मैं अपने दादी के साथ रहती हूँ। मैं बहुत अच्छी फोटोग्राफर हूँ। मैं एक फोटो स्टूडियो खोलना चाहती थी। मैं बस इतना ही चाहती थी। लेकिन दीदी के पास पैसा नहीं है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। एक आदमी ने मुझे धोखा दिया। अभी वो आदमी कहाँ है? वो अभी यही है। देखो ये वही है। देखने से ही धोखेबाज लगता है। आप इसके जाल में कैसे फंस गई? क्या आप आत्महत्या करने जा रही थी? अब मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं है। वैसे मेरे पास एक कैमरा है, एक अंग्रेज ने मुझे गिफ्ट किया था। कौन सा कैमरा है? दीदी वो सब नहीं पता। मैं आपके लिए लेके आऊँ क्या?
ठीक है, लेकर आ, मैं उसे देखती हूँ। ठीक है, मैं अभी लेके आया। गिफ्ट में मिला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। अरे मैंने उन्हें यहाँ घुमाया, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। बहुत अच्छा है। दादी माँ इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो, हे, Hey, what's your name? सर, बहुत अच्छा आइटम है सर, ले लीजिए। क्या सर, ये सनग्लासेस बेस्ट हैं, 750 रुपीस में दो सनग्लासेस। ऐसा क्या, मुझे तो लगा कि सर मैं आपका इशारा समझ गया, आपका मन है क्या? जा रे जा, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, समझ गया ना, चल निकल। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर इस बीच पे क्या होता है मुझे सब पता है। हाँ। सुन, यहाँ पर तू उसे जानता है क्या? हाँ वो मेरी कस्टमर है। हाँ? कैसी कस्टमर? समझिए ना सर, वो मुझसे कुछ अलग टाइप की दवा लेती है सर। क्यों, वो दवा नहीं मिल रही है क्या? बाकी जगह रेट पड़ चुकी है। अगर उसे दवा की इतनी ही जरूरत है तो मैं वो दवा ला के दे सकता हूँ, पर कुछ शर्तें होंगी मेरी। कैसी शर्तें? क्या सर, आप तो मुझे दलाल बनाना चाहते हैं। तो फिर तू रहने ही दे, मैं खुद बात कर लूंगा। ठीक है, बात करके देख लीजिए। उसके पास कुछ ऐसा है जो किसी ने चुरा लिया था, अब वो अपने देश लौटना चाहती है, बेचारी बड़ी परेशान है वो। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तू जाके बात कर। वो रूम में नहीं आ सकती सर, लेकिन वो लाइट हाउस के पास वाली चट्टान के पास आपको मिल सकती है कल शाम को। मैं आ जाऊंगा। ठीक है। हेलो, हेलो, आई हैव योर हैंडबैग। ओह, योर पासपोर्ट, टिकट। ओह, आई नीड 1 लाख रुपीस फॉर योर हैंडबैग, कम टू द लाइट हाउस विद द मनी।
money. Give me my money. It is here. Give me my bag. First, give me the give money. Give me my bag. Give me money. I will give you your bag. Give me my bag. Give me money. I'll give money your bag. Money is here. First, give me money. Give me my bag. I want money. Hey, stop there. Stop there. My bag. बहुत परेशान किया तूने. छोड़ दीजिए सर. सर मेरी कोई गलती नहीं है. सर प्लीज मारिए मत. We got the bag. सर मेरी कोई गलती नहीं है. You idiot. You thief. You come with me. How is my catching? You are great. You check your bag. Everything there? They took my all money, but no problem. Oh. I'll manage. Okay, okay. Your passport? Yes, passport, ticket. Oh, very important. Okay, okay. Thank you very okay, much. Thank you. Come on. सर यहाँ आने में थोड़ा सा लेट हो गया. वो क्या है कि पुलिस से बच के आना था ना? कोई बात नहीं. ठीक है ना? वैसे वो लड़की कहाँ है? वो यहीं पे है. You're so beautiful. Yes. This way, airport, very easy. Yes. Yes. Okay. You phone me. This is airport. Terminal. Okay. Okay. Madam, you go this way. This way? Yeah. Thank you very much for okay, your cooperation. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Thank you. You are great. Good luck. Okay. Okay. Thank you so much. Bye. Okay. See you. See Namaste. You. Okay. Bye. Bye. आपकी बस आ गई दीदी. हाँ, आपका सारा सामान इसी में. बाय. मैं चलती हूँ. हाँ. बाय दीदी. बाय. थैंक यू. बाय. थैंक यू. सी यू. हाँ. अपना ध्यान रखना. तुझे पता है कल रात को भी एक डेड बॉडी उत्तर की तरफ से मिली है. बॉस इस बारे में मैं नहीं जानता. तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है. वैसे भी तुम्हें क्यों जानना है. चल सुनो, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है. ये समुंदर है ना, ये बहुत गहरा है. क्या सर, नया चश्मा? अरे ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया. कौन है? कौन सी गर्लफ्रेंड? वो रशिया की लड़की थी ना, लूसिया, उसी ने मुझे गिफ्ट किया. तो सर क्या आप रशिया जाने वाले हैं क्या? नेक्स्ट ईयर वो मुझे बुलाएगी और मैं यूनिफॉर्म उतारूंगा और सीधे रशिया उड़ जाऊंगा भाई.